वेलकम टू माय चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस। हम अल्टरनेटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन पिछले आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएम या प्रति फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ई इजकल टू फाइव एफ टी वाई 2.22, ऑप्शन बी ई इजकल टू फाइव एफ टी बाई 4.44, ऑप्शन सी ई इजकल टू 2.22 फाइव एफ टी, ऑप्शन डी ई इजकल टू 4.44 फाइव एफ टी। तो इसका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी ई इजकल टू 4.44 फाइव एफ टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ए कार्क स्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अल्टरनेटर के भाग का क्या नाम है? इस भाग का नाम पूछ रहा है। स्टेटर, उत्तेजक, मुख्य ध्रुव रोटर या चिकना बेलनाकार रोटर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुख्य ध्रुव रोटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन ए ई इजकल टू 4.44 केडी केसी टी फाई मैक्स, या ई इजकल टू 2.22 केडी केसी एफ फाइव एक्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है ई इजकल टू 4.44 केडी केसी एफ टी फाइव एम, ई इजकल टू 4.44 केसी केडी टी फाइव एक्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? केबीए में, किलोवाट में, मेगावाट में या केबी में? तो केबी में तो वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं, मेगावाट है तो ये वाट का है, किलोवाट भी वाट का है, और केवीए जो होता है अल्टरनेटर को हम केवीए में प्रदर्शित करते हैं, है अल्टरनेटर का जो रेटिंग होता है वो केवीए होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज नियमन की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में फुल लोड वोल्टेज गुड़े 100। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी? तो पी बराबर क्या है 6 और एन बराबर क्या है 1000। तो फार्मूला क्या होता है 120 एफ बाई पी होता है एन इजकल टू एन इंटू पी भागे 120। तो ये यहाँ से आपका एफ का मान निकल जाएगा।
तो अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 1000 गुड़े पी का मान है 6 भागे 120, 0 से 0 कट जाएगा और 6 से 12 कट जाएगा, 2 बार जाएगा और 2 से 100 कटाएंगे तो आ जाएगा 50 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। तो ns बराबर क्या होता है, 120 f/T होता है। तो यहाँ पे अगर मान रखते हैं 120 × 50/2, तो 2 से अगर 12 को कटाते हैं तो 6 यानी 60, और 60 में अगर 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 RPM आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 RPM। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाते हैं। ऑप्शन ए टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, ऑप्शन बी वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, ऑप्शन सी वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, डी ऑप्शन है दोनों अल्टरनेटर में आवृत्ति समान होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और आवृत्ति समान रहेगी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई कैसे करें। ए अल्टरनेटर की गति को कम करके, बी फील्ड उत्तेजना धारा को कम करके, सी फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके, डी अल्टरनेटर की गति को बढ़ा करके। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जाता है, फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंक्रोनोस्कोप का उपयोग क्या है। ए आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करके, बी फेज अनुक्रम समायोजित करके, सी आपूर्ति स्विच समायोजित करके, डी समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसका सही ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर डी, समानता के लिए सही तुरंत संकेत दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। ए उत्तेजक, बी इन्वर्टर, सी कन्वर्टर, डी सिंक्रोनाइज। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तेजक एक्साइटर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और सभी क्वेश्चन को देखते रहिए। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। ए तांबे के नुकसान को कम करता है, बी वायु हानि को कम करता है, सी हंटिंग के प्रभाव को कम करता है, या डी वोल्टेज नियमन में सुधार करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभकारी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। जय हिंद।